जाना तो दादा, आज हमने एक तो सिनेमा देखे अतरंगी रे, और हम कहा ना हो सिनेमा सिर्फ त्योहार याद दिलाती है। तुम जाना तो आज अगर हम अपन पति को अपन प्यार को कौन और का होते हुए उनसे ब्याह करते हुए देख सकते ना, सिर्फ तुम्हारे कारण है दादा। कहे कि तुम हमका हिम्मत दी सो, जिंदगी जिए का साहस दिए सो, आगे बढ़े की प्रेरणा दिए सो। दद्दा तुम ही हमका इतना मजबूत बनाए हो, सिर्फ तुम। ठीक है, ओके। बहुत ही बढ़िया साज सजावट के फोटोज और वीडियोज मिले। हमका तो ये लागत है कि तोहार प्रमोशन ना बहुत ही जल्दी होए वाला है सतीश। वो मैडम सतीश। हाँ वो ही सतीश। अच्छा देखो, अब तुम लोगन खाना खा लो, काहे कि बाद में वक्त नहीं मिले। ठीक है, आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। बाद में काहे? टिफिन भूल गया हूँ, पैकअप के बाद घर जाकर खा लूंगा। सतीश तुमका वो चमत्कार देखे हो? जी। एका चमत्कार कहते सीता मैया का चमत्कार, आज तुम खाना लाना भूल गए, और हमरी काकी माँ हमका बहुत सारा खाना खिला के भी भेजे, और हमारे साथ भी बहुत सारा खाना भेजे। तो फिर एका वेस्ट काय करना, बोलो फिर खा लियो ना। देखो हमारी काकी माँ को ना बुरा नहीं लगे के चाहिए, लियो। थैंक यू मैडम। जाओ खाना खा लो जल्दी से। कैसी है? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सलाह दे रहे हैं मिस्टर राठौर, इमली बिल्कुल एक तितली की तरह है, और तितली कभी किसी एक फूल की नहीं होती। जो ज्यादा अच्छा लग जाए उसकी होने में देर नहीं लगाती, और जिससे मन भर जाए उसे छोड़कर चल देती है। जब बचपन से ही वो लोग बहुत क्रूर लगते थे जो एक तितली को दबोचना चाहते हैं मिस्टर त्रिपाठी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपसे किसी की उड़ान देखी नहीं जाती, या फिर आप चाहते हैं कि वो उड़े भी तो आप ही के छत के नीचे, आसमान तक ना पहुंचे? अरे आपने तो हमारे एग्जाम्पल को लिटरली ले लिया मिस्टर राठौर। हम बस आपसे इतना कह रहे हैं कि इमली मूव ऑन करने में ज्यादा देर नहीं लगाती, इसलिए जरा बच के रहेगा। जिस तरह हमारी जिंदगी बर्बाद करके गई है, कहीं आपकी जिंदगी भी बर्बाद ना कर दे। मूव ऑन उनसे किया जाता है मिस्टर त्रिपाठी, जो दुख देते हैं, दर्द देते हैं, और मुझसे इमली को मिली है तो सिर्फ हिम्मत। यू नो द सैड ट्रूथ मिस्टर त्रिपाठी, आप इमली को बिल्कुल नहीं जानते, तभी आप उसे एक तितली से कंपेयर कर रहे हैं। दैट गर्ल, शी इज अ सर्वाइवर। आपने उसे दर्द दिया है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है, अपने दर्द को भुला रही है, और बहुत जल्दी मिस्टर त्रिपाठी आपको भी भूल जाएगी। लेकिन मैं इतनी जल्दी भुलाने वालों में से नहीं हूं। आई एम आर्यन सिंह राठौर। ना कोई मेरी दोस्ती भूल सकता है, ना दुश्मनी, और ना ही क्या मिस्टर राठौर, प्यार। रिलैक्स मिस्टर त्रिपाठी, ये तीसरी बात उधारी रहेगी। रिलैक्स। अरे आप चलिए मेरे साथ, चलिए। क्या कर रहे थे आप आदित्य? मैं जानती हूँ ये शादी हमारे बच्चे के नाम पे आपके लिए हो रही है, एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इतना ऑब्वियस करना जरूरी है कि आप इमली और आर्यन को लेकर इतनी जेलस है। आप क्या कर रहे हैं आदित्य? तो फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, अपना गुस्सा थोड़ी देर के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते? आदित्य मैं आपको याद दिला दूं, ये शादी आपने मुझसे बिना पूछे अनाउंस कर दी, और डेट भी इतनी जल्दी की रख ली, पर मैं समझ गई, मैंने आपको समझने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए आप प्लीज
मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी शादी में एक्स्ट्रा की तरह फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे पति का ध्यान कहीं और है। तो आज के दिन के लिए सही, झूठ मोटी सही, आप ये नाटक तो कर सकते हैं ना कि आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो इट्स ओके, मैं अभी जाके सबको बता दूंगी कि ये शादी नहीं होगी। रुकिए मासी, I'm sorry, हमने आपको बहुत शर्मिंदा किया है, लेकिन अब और शर्मिंदा नहीं होने देंगे। शादी होगी और अच्छे से होगी। आइए चलिए, यहाँ हल्दी का फंक्शन करना है। त्रिपाठी से आप लोग भी आइए ना आदित्य और मालिनी को हल्दी लगाने। हिमली ये लोग तो नहीं आ रहे, तो तुम ही आ जाओ। हो सकता है कि तुम्हें देखकर ये भी आ जाए। आफ्टर ऑल तुम यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टर की हैसियत से थोड़ी ना आई हो, तुम्हारा तो स्पेशल रिश्ता है आदित्य के साथ, साली और जीजा का। सो कम, अपने ब्रदर इन लॉ और दीदी को हल्दी लगाओ। रिश्ता टूटा है पर हम नहीं टूटे हैं।
पूरा आउटफिट खराब हो गया। यू ब्लडी नौकरानी, तेरी इतनी। डोंट यू डेयर मिसेस चतुर्वेदी, आप मेरे रिपोर्टर से जबरदस्ती के रिश्ते जोड़कर उसे हल्दी लगाने को कहा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल चीजें मिक्स ना करें। अरे कुछ मिक्स नहीं हुई है, और अगर कुछ मिक्स हुई है तो वो ढोल मिक्स। अरे शांत काहे हैं, ब्याह का माहौल है यहाँ पे, ढोल बजाइए, म्यूजिक वगैरह चलाइए। चलिए आदित्य, आदित्य चलिए। तूने मेरी बेटी की ड्रेस खराब की है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ नौकरानी जूनियर। इस मैडम से हम खुद निपट लेते रहे तो काय की का जरूरत रही। एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं, हम पैज में डांस करते हैं। आर्यन चलिए, मिस चतुर्वेदी चलिए 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 चलिए। स्टॉप इट मिस चतुर्वेदी, ये आपकी फैमिली फंक्शन है और मैं फैमिली नहीं हूँ। प्लीज लेट मी बी अ प्रोफेशनल। तो एज अ प्रोफेशनल ही काम कीजिए मिस्टर राठौर, और अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट मान लीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दोनों साथ में डांस कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, प्लीज डू द ऑनर्स। म्यूजिक, क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, डिनाई तो नहीं कर सकते। विद अ स्माइल, आपने अभी मुझे प्रॉमिस किया था, आप थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाइए। त्रिपाठी जी, मुझसे आधी की हालत देखी नहीं चाहती। समझ रहा हूँ अपर्णा जी, पर अभी इस वक्त हम कर भी कह सकते हैं। हाँ, माता रानी पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप डांस करो, सब देख रहे हैं। तुम देखत नहीं है, घूरत है हमको तुम्हारी घटिया हरकत की वजह से। शट अप,
तुम चुप रहो। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे निकलोगे। अभी क्या भी छोड़ दो हमको। छोड़ ले। तुम सटा प्रभु। अभी क्या भी छोड़ दो हमको, वरना हमसे बुरा ना कौन ये समझे। नहीं मानोगे नहीं। लोग क्या सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं एक लड़की की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने वही किया। फिर भी सबके सामने तुम्हें इस तरह पकड़ने के लिए हम सॉरी। अब मेरे पास कुछ और नहीं है। मैंने क्या कब तेरी वक्त अब काम का करें। हम बाहर कैसे जाएं। अब इमली का कपड़ा फटा हुआ था, इसलिए आर्यन ने पकड़ा था उसको। आर्यन को कितना गलत समझा मैंने। इसने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर इमली की इज्जत बचाई है। इसने ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। ये आर्यन वाकई बहुत तमीजदार लड़का है। शुक्र है आज वो इमली के साथ था। साथ था या साथ है वो तो ये दोनों ही जानते हैं। हमें यहाँ भीड़ नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो मेहमानों का ध्यान इसी तरफ आएगा। पंडा जी चलिए। दिल की मनमानिया जानिया, ओ दिल जानिया, इश्क का कसूर दिल की मनमानिया। सब कुछ कवर हो गया। स्टॉप करें। क्यों ना दानिया जानिया। बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मेरी पहली शादी में तुमने अपना वो शादी का जोड़ा पहना था और आज तुम्हारे कपड़ों की ये हालत। इमली तुम तो दिन ब दिन गिरती जा रही हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। हर बार मेरी खुशियां खराब करने का प्लान बनाया है ना तुमने। फेल हो गई। अब मानती हो फेल हो गई या मेरी शादी खराब करने का और कोई प्लान बना रही हो। प्लीज बता दो।
ये प्लान बनाना बिगाड़ना ये सब ना आपका काम है, हमारे काम सिर्फ रिपोर्टिंग है और हम वो कर रहे थे। वेरी गुड, तो जाके अपना काम करो, क्योंकि मुझे अब चेंज करना है अपने दुल्हन के जोड़े में। आज मैं दुल्हन बनूंगी और तुम इन्हीं कपड़ों में मुझे दुल्हन बनते देखोगी। इसे कहते हैं इंसाफ। आज तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी इमली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।